बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि साइकिल ग्राउंड के बाहर चला है, अन्यथा आपकी साइकिल को सर्च कर लिया। और सभी खेल प्रेमी दर्शक बंधुगण, शुभ अवसर पर ऐसी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में ये फाइनल मैच चल रहा है। अभी तक दोनों टीम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे बढ़त दी जाए, और बहुत ही सुंदर ढंग से ये मैच दोनों के बीच में चल रहा है। प्लेयर्स से बेहतर ये निवेदन होगी कि वो अपने प्रतिभा को सुंदर ढंग से हमारे इस दर्शकों के बीच में दर्शाएं। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता है, सभी ओम सभी धर्म के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं भाईचारगी के साथ, और निखार आएगा दर्शक बन। भोजी जियालाल साहू जी और कई सहयोग के बीच में आप फाइनल तक पहुंचे हैं, और अपने छोटी छोटी बच्ची और बहनों को भी धन्यवाद देता हूं स्वागत मंडली को, कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से स्वागत किया और बहुत सुंदर यहां पर अपना अपनी सांस्कृतिक को अपना पेश करने का काम किया। आज यही है कि मैं आप सभी को इस सफल आयोजन के लिए पूरे कमेटी को बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में गाड़ी दीपा गांव में फिर से हम लोग बैठेंगे, वहाँ की जो जन समस्या है, जो दिक्कत है, उसके समाधान के लिए हम लोग पहल करेंगे ताकि हमारा गाड़ी दीपा और विकसित हो। मुकाबला रोशन ब्रदर्स आर्मी के बीच खेला जा रहा है। आज का ये संघर्षपूर्ण फाइनल मैच का अब तक किसी ने बढ़त नहीं बनाई है। दोनों टीम
बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि हम बढ़त बना लें, लेकिन अब तक किसी को सफलता मिला नहीं है। और इस तरह से आपका मोमेंट बनता हुआ आज का मैच दर्शक थोड़ा दो गोलकीपर ने गोल को गोल में प्रवेश होने से बचा लिया और ये दोनों टीमों के बीच बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है। खिलाड़ी आज हमारा अंतिम दिन है दुर्गा यात्रा के शुभ अवसर पर हमारे डारे डिपा के ग्राउंड में संघर्षपूर्ण फाइनल का मुकाबला चल रहा है। दोनों टीम अपनी ओर से संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपनी बढ़त बना लें, पर अभी तक दोनों टीमों के बीच संघर्ष ही चलता रहा है, किसी ने अभी तक बढ़त बनाई नहीं है। मोमेंट जरूर बन रहा है, पोजीशन अच्छी हो रही है, पर गोल में कन्वर्ट करना नामुमकिन सा लग रहा है। दोनों टीमों के डिफेंस इस तर्ह से मूवमेंट बनाता हुआ डोगा आर्मी की ओर से, लेकिन गोल कीपर बंदर बैक से उसकी बचा दिया और फर्स्ट गोल करने वाले प्लेयर को 500 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि हमारे गांव के हटार के निवासी सुरेंद्र साहू के। इस फाइनल मुकाबले में पहुंचे हैं जिनका अभी संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है। अब फाइनल का मुकाबला में कौन विजयी होता है, कौन रनर होता है, ये देखने की चीज है। चल रहा है, संघर्ष हो रहा है, खेल का उसका वर्धक बढ़ाए, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जो भी मूवमेंट बनाता है, जो भी बढ़िया खेलता है, उनको आप प्रोत्साहित करें। और ये संघर्ष मुकाबले में अभी तक किसी ने बढ़त नहीं बनाई है। दोनों संघर्ष दोनों बहुत ही स्पेल करके ढंग से खेले, मूवमेंट बना था और कॉर्नर मिला है। रोशन ब्रदर्स की ओर नौजवान खिलाड़ी देखा की ओर से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और ये 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट साथ ही साथ कैश का प्राइस भी है। ये बड़ा खुशी और कैश का संघर्ष चल रहा है। फाइनल मैच है, अब कौन सा टीम विजय होता है, अभी तक तो किसी ने कोई गोल कन्वर्ट नहीं किया है, कोई बढ़त बनाया नहीं है, देखिए किसने बढ़त बनाई थी है। दोनों का टूर्नामेंट चल रहा है, टीम अभी फाइनल में आए हैं और ये फाइनल के संघर्ष कर रहे हैं। इतनी सुंदर मोमेंट बना था, लेकिन गोल में कन्वर्ट करने से नाकाम रहे। और बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन भी हो रहा है, पर अभी तक किसी ने कोई गोल कन्वर्ट नहीं कर पाया है। अब देखिए सोच रही है कि कौन सा टीम आगे आएगी और कौन सी टीम विजय होगी, कौन सा टीम आज का फाइनल का हकदार बनेगा और कौन सा टीम रनर होगा, इसकी फैसला अभी तक पेंडिंग है। किसी ने कभी कन्वर्ट नहीं किया है गोल को और बढ़त नहीं लिया है, समय बीतता जा। बहुत सुंदर फास मिला है, बहुत सुंदर के द्वारा ये रोशन ब्रदर्स की ओर आगे बढ़ता है और इस तरह से फॉल करार दिया गया और इसका एडवांटेज रोशन ब्रदर्स बनी था। दर्शक उनका लाभ उठा रहे हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी मिला है रोशन ब्रदर्स को और इस तरह से
डिफेंस किया गया और गोल नहीं हो पाया। अभी भी संघर्ष करता हुआ और संघर्ष की ओर मूवमेंट की ओर जा रहा है और इस तरह से रहा है और संघर्ष करते हुए दोनों टीम नजर आ रही है। किसी ने अभी तक गोल नहीं है और इस तरह से मूवमेंट बन रहा है पर गोल फौजी का टिकट जिन किन्हीं भाइयों को अगर लेना हो वो मंच के पोजीशन भी अच्छी ली हुई है। अब देखिए क्या होता है इनके गोल के आसपास मैदान में खतरा बनाने में लगी हुई है। खतरा टलता है या खतरा बरकरार रहता है। बहुत ही सुंदर पास दिया गया है उस पास के माध्यम से ट्राई किया गया लेकिन गोल के बाहर आउट करा दिया गया और मैच खत्म हो गया। किसी ने गोल कन्वर्ट नहीं करवाया, किसी ने बढ़त नहीं बनाया। 0-0 पर यह फाइनल मुकाबला खत्म हुआ है। आप हमारे रेफरी महोदय की डिसीजन लेता है इस पर दर्शक को इंतजार करना है।